जिसकी वजह से हमको तकलीफ हुई है और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि उसको मोमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ आज इस वक्त आते ये वक्त आते आते मैं ये फील करने लगा हूँ कि मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द पीपल जितने भी हैं वो सब अपने अपने तरीके से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग इस काम को इस मोमेंट को लेकर के चल रहे हैं, पर शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। अब यहाँ ये शुरू ये क्या वजह है कि ये कह रहा है मैं इस लायक क्यों नहीं हूं, इसके पीछे एक पूरा राज है, वो राज मैंने आपको बताना है। वो क्या राज है कि मैं इस मोमेंट का हिस्सा बन सकूं, मैं शायद ऐसा नहीं हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को अपना भाई मुझ में नजर आए। अब रोना शुरू होने, ओए होए होए यार इतनी दुखी स्टोरी है, मेरा टिश्यू बैग कि मेरा बाहर पड़ा है, चलें खैर। या शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं जो मेरे सगे बाप को मेरे सगे फादर को मुझ में एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया और उसके बाद जब मैंने किसी और को अपना मेरे सगे बाप को मेरे अंदर बेटा नजर नहीं आया और उसके बाद देखिए जरा जब मैंने बाप बदल लिया, बाप माना उसकी जगह दी बाप की उसको, तो उसको भी मुझ में शायद एक ट्रस्टवर्दी एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया। तो ये किसी की गलती नहीं है, ये एक्चुअली मेरी कमी है, मेरा फॉल्ट है, आई एम एट फॉल्ट। बट रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मुझसे जो नाराजगी है या अगर है आपको, मैं ये नहीं कह रहा आपको है क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि उसको मुझसे नाराजगी है, लेकिन अगर किसी को मुझसे नाराजगी है पर्सनल किसी चीज को लेकर के, तो ठीक है मैं माफी मांगता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर किसी को रास्ते में नहीं आऊंगा, जी पॉइंट टू बी नोटेड, ये नाराजगी है कि मेरे इस काम से मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी को चीट किया है या मैंने इस मोमेंट को नुकसान पहुंचाया है अपने किसी भी काम से। तीन चीजें रखी हैं, मोमेंट को नुकसान पहुंचाया, चीट किया, धोखा, ये आपने याद रखना है कि ये बातें ये क्यों कर रहा है। तो मैं उन सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि तुमको तुम्हारी उस मोमेंट का वास्ता, उस मोमेंट की कसम है आप लोगों को जिसको आप लेकर के चल रहे हैं और उस इंसानियत का वास्ता और उस इंसानियत की कसम है आप लोगों को जिसको आप सब कुछ मानते हैं, मुझे एक्सपोज कर दीजिए। जी ये था राइज एंड द फॉल ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। एक्स मुस्लिम मूवमेंट गिरती कैसे है, ये एक स्टोरी लाइन है आपके सामने कि हुआ क्या है। इस वक्त एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर, जो कि मूवमेंट नहीं है और वो मैं आपको सुना भी देता हूं, थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा कि समीर के ख्यालात कैसे बदले हैं कि मूवमेंट क्यों नहीं है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये जरा सुनिएगा, समीर खुद कहता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं रही। सुने जरा, के लिए यूनाइट होना बहुत जरूरी है जनाब, सबसे पहले एक्स मुस्लिम्स को, जो कि यूनाइट है। अब थोड़े बहुत इख्तलाफात तो हमेशा रहे हैं, अब सावे कराम भी नहीं कहते, वो ओपिनियन 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 अलग होना एक अलग चीज है, इख्तलाफात जाहिरी तौर पर होना अलग चीज है। आज एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर जो इख्तलाफात है वो जाहिरी तौर पर है जनाब, जो कि मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मूवमेंट अभी नहीं, इसीलिए मूवमेंट नहीं है। मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। मेरा दोबारा सुनना है, दोबारा। मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। मेरा पर्सनल जो है ना ये ओपिनियन है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मूवमेंट नहीं है सर, एक्स मुस्लिम एक्टिविटी है अभी, एक्स मुस्लिम चैनल्स के रूप में, एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है यूट्यूब पर। और जो ये कह रहा है ना कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है मेरे ओपिनियन में। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कौन लगाता था एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, कौन लगाता था? तू लगाता था, तो तू दूसरों को झूठा कर रहा है, हैं फ्राडिये? नहीं है यूट्यूब पर। और जो ये कह रहा है ना कि सोशल मूवमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है मेरे ओपिनियन में। जी ले जी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है। अब आपने एक चीज देखनी है कि बेसिकली अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है तो जो मूवमेंट चल रही है वो मूवमेंट है क्या, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है कि अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो वो फिर कौन सी मूवमेंट है। समीर ने ये बता दिया, ये भी बता दिया, जरा सुने आपके सामने आज ये भी इंकशाफ होगा कि समीर उस मूवमेंट को क्या कहता है। मुझे टीवी चैनल से बुलावा आएगा, न्यूज़ नेशन से या किसी भी अदर चैनल से, प्लेटफॉर्म से मुझे बुलावा आएगा, मैं डेफिनेटली एज अ एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सुपर चैट मूवमेंट, जनाब जनाब जनाब,
आगे एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर चैट मूवमेंट। सुपर चैट मूवमेंट सुपर चैट मूवमेंट, ये है औकात एक्स मुस्लिम मूवमेंट की। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो सुपर चैट का एक कतरा निकला। मूवमेंट छनकना, मूवमेंट कद्दू, मूवमेंट अंब, मूवमेंट छनकना, मूवमेंट तो कुछ भी नहीं, सुपर चैट मूवमेंट थी ये। मैं कहूं तो मुजरिम, मैं कहूं तो झूठा, मैं कहूं तो गलत, मेरा कसूर क्या है? और तुम्हारे लोग कहें समीर भाई प्लीज कम बैक, वी लव यू, दोर फिटे मुंह, वी लव यू दे बचे हो, जायदादें बेचकर अपने गुर्दे बेचकर इनकी मदद करना, और जब बड़ा सा सी तुम्हें बना दे फिर आकर कहना आमिर भैया ठीक कहते थे। अगर मुझे कुछ बड़ा बनाया होता, कुछ मुझसे कहा होता, कुछ मुझसे सुना होता तो बात समझ आती, मुझसे तो कुछ नहीं सुनते, मुझे तो कहते ही गलत हो। हां जी, बिकॉज आई एम हियर फॉर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, आई एम हियर फॉर वर्किंग फॉर माय कम्युनिटी, आई एम हियर फॉर वर्किंग माय कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी के लिए काम करेगा, पता नहीं गटर साफ करेगा, कम्युनिटी के लिए काम तो मुख्तलिफ होते हैं, गटर साफ करना भी कम्युनिटी का काम ही है, किसी का गटर घर घर का बंद हो जाए वो खोलना भी कम्युनिटी का काम है। हाँ, कोठे पर मुजरा करना ये भी पब्लिक को सर्विसेज फराहम करना ये भी कम्युनिटी का काम ही है। हाँ जी भाई, हमें ना गलत कहना, इस सनातन धर्म के मुताबिक प्रोस्टिट्यूशन भी है, अब ये सनातनी है, अब मुझसे को सनातनी गुस्सा ना करे कि जी बात तुम एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कर रहे हो, सनातनी हमें बीच में रगड़ दिया। भाई जान तो आड़ी भी नहीं छुटनी सनातनी हो, जान आपकी भी नहीं ना छुटनी, मसला ये है। हाँ जी, स्यापा तो ये पड़ गया है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इस गोल्डन टाइम्स द राइजिंग स्टार एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर बड़े बड़े फिरके बन गए, बड़े 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 फिरके। वो फिरके क्या हैं? उनका नाम तो नहीं लिया मगर उन फिरकों की एग्जिस्टेंस का एतराफ एडमिट किया है श्रीमन सिद्धार्थ चतुर्वेदी साहब ने। सुनिए जरा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे मुंह से जो निकलती हैं वो आगे तक जाती है और उनको ट्विस्ट किया जाता है। इसकी वजह भी मैं करते हुए कह दूं, मैं इसलिए नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, क्योंकि मूवमेंट उसको कहते हैं जहां कुछ लोग या बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही मिशन के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग, वो सफर में, बट मिशन सबका एक होता है, सब यूनाइट होकर काम कर रहे होते हैं। अगर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर लोग यूनाइट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्रुपबंदी चल रही है, कुछ चार एक मुस्लिम ग्रुप में बैठे हैं, चार एक मुस्लिम में बैठे हैं, एक में बैठे हैं, आठ एक तरफ बैठे हैं, दो एक तरफ बैठे हैं, आप आना चाहें तो जरूर आए, मैं पर्सनल में आपको लिंक दे रहा हूँ। मैं ना असल में स्ट्रीम थोड़ी सी लेट हो गई तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लिंक डाल नहीं सका तो मैं अभी आपको लिंक दे रहा हूँ। किधर गए हैं जी, किधर गए हैं सैम भाई, ये हैं जी, किधर किधर किधर, ये जी मैंने लिंक दे दिया। सैम भाई आप आना चाहें, ऑलवेज वेलकम सर, ठीक है जी, आप आ जाएं, मोर देन वेलकम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां तक आपने देखा एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर फिरकों का इंकशाफ हो गया कि इनमें फिरके हैं। अब मैं आपको आगे जाके इससे बड़ा इंकशाफ करूंगा इन्हीं की जुबानी कि वो फिरके हैं कौन कौन से। मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब असल ट्विस्ट आने वाला स्टोरी के अंदर, ओए होए 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 होए, असल ट्विस्ट। वो ट्विस्ट पता क्या है? एक पूरा गेम प्लान किया गया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने के लिए और उन पर प्रेशर डालने के लिए कि जनाब ये जो जमात थी PFI, इसके ऊपर जो बैन लगाया है, उस बैन का एक अंसर ये है कि फेक एक्स मुस्लिम्स जो हैं जनाब, उनको प्लांट किया जा रहा है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर, और 500 के करीब फेक एक्स मुस्लिम हैं जो इनके अंदर डाले गए हैं,
और वो लोग जब आए हैं तो इनके अंदर फूट पड़ गई है, यानी 500 के करीब फेक एक्स मुस्लिम्स को एक्स मुस्लिम मूवमेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स डिस्कॉर्ड टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक और दीगर चीजों के अंदर इन्वॉल्व करके इनकी स्ट्रीम यार्ड्स के अंदर फेंका गया है, जिस वजह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट का डिक्लाइन हुआ है। ये ताली इस चीज पर, इसका मतलब ये है मुसलमानों, जो इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर एक्स मुस्लिम नजर आ रहे हैं और सनातनी हमारे चैनल्स पर आकर कहते हैं जी बड़ी तेजी से एक्स मुस्लिम मूवमेंट फैल रही है, हर दूसरा बंदा एक्स मुस्लिम हो गया है, वो तो PFI का मेंबर है तुम्हारे बकौल। ओ 500 बंदा तो अपने मुंह से माने हो, YouTube पर मुझे 500 बंदा गिनवा दो कौन सा है। अपने मुंह से बोले हो कि 500 बंदा PFI ने इम्प्लांट किया है अंदर, जब इम्प्लांट किया है तो दैट मींस कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हें एक्स मुस्लिम नजर आ रहे हैं वो PFI के प्लांटेड एक्स मुस्लिम्स हैं, वो तो हकीकत में मुसलमान है। अब फिर वो तो हमारे बंदे हैं तुम्हारे बकौल, अकॉर्डिंग टू यू। हां जी सर, सर नासा टेक्नोलॉजी सर, हां जी आयुर्वेदिक मेडिसिन सर, आयुर्वेदिक जो आपके दिलो दिमाग को खोल देगी और आपका हाजमा भी दुरुस्त कर देगी, सुबह शाम आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, खुराक सीधा नीचे। अब मैं आपको सुनाता हूं इस इंकशाफ के बारे में, जरा सुने। मोर देन 500 एक्स मुस्लिम्स लॉन्च किए गए हैं PFI की तरफ से, जिनका काम यह है कि वो एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट के अंदर घुस जाएं और एक्स मुस्लिम्स ग्रुप के अंदर घुस जाएं और साथ ही साथ एक्स अपने आप को एक्स मुस्लिम्स बता करके जितने भी एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं उन सबका भरोसा जीत लें। जी 500 एक्स मुस्लिम्स फेक प्लांट किए गए हैं PFI की तरफ से एलिजिडली, इनका इल्जाम है, अभी साबित नहीं हुआ मगर एक मिनट के लिए मान के चल रहे हैं, तो फिर तुम्हारी तादाद कितनी है? तुम तो 3 या 4 या 5 या 10 या 12 हो, और तुम्हारे बकौल मैं साबित करूंगा कि 20 बंदों का एक ग्रुप है, बस 20 बंदे हो गिनती के 20 बंदे, और शोर डाला हुआ है एच मुस्लिम मूवमेंट रजिस्टर करवानी है इंडिया के अंदर 20 बंदे, और 500 बंदे तो तुम्हारे बकौल हमने दिए हैं तुम्हें कि जाओ क्या याद करोगे। अब आप जरा सुनिएगा इसका खुद का जुमला कि एक एक्स मुस्लिम की पहचान क्या होती है। याद रखना, जो वर्ड्स का चुनाव, जो शब्दों का उपयोग इसने किया है क्यूट गर्ल ने, उन शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। आप चेक कीजिएगा और एक मुसलमान गौर से इन शब्दों को सुने, देखें जरा। और अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करते हुए, अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करते हुए क्या करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा, ये जुमले आगे बड़े कीमती हैं। और अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करते हुए वो लोग आप सब लोगों का भरोसा भी हासिल करें, इसके लिए उनको इस्लाम के खिलाफ बात करना रहेगा वो करेंगे, कुरान पर तोहमतें लगानी होगी वो लगाएंगे, कुरान पर तोहमतें लगानी होंगी। याद रखें, कुरान तोहमत कहते हैं झूठी बात को। इसका मतलब यह है कि एक्स मुस्लिम्स कुरान के ऊपर झूठी बातें कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इनके साथ मिलकर झूठ बोलेंगे। आगे चले, कुरान पर तोहमतें लगानी होगी वो लगाएंगे, रसूलुल्लाह की जाती जिंदगी पर हमले करने होंगे वो करेंगे, रसूलुल्लाह की जाती जिंदगी पर हमले, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जाती जिंदगी पर हमले, ये सुने जरा दोबारा। कुरान पर तोहमतें लगानी होगी वो लगाएंगे, रसूलुल्लाह की जाती जिंदगी पर हमले करने होंगे वो करेंगे, वो हर वो काम करेंगे जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो एक सच्चे एक्स मुस्लिम हैं और इस्लाम के खिलाफ उनकी लड़ाई है, इस्लाम के खिलाफ उनकी लड़ाई है। और साबित कैसे कर सकें? रसूलुल्लाह पर झूठी बातें कहें, कुरान पर झूठी बातें कहें, ताकि हिंदुओं को एक्स मुस्लिम्स को ये पता चल सके कि वो सच्चे एक्स मुस्लिम्स हैं। ये है टेक्निक, मुसलमानों ये है टेक्निक। आगे सुने, और साथ ही साथ उनका काम ये रहेगा कि ये करने के बाद वो आप सब लोगों से फाइनेंशियली
फंडिंग रिसीव करें, जो कि आप सभी एक्स मुस्लिम को करते हैं, आज तक जितने भी लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जुमला इसने क्यों बोला है, आगे भी करते रहेंगे, ये क्यों बोला है? क्योंकि ये पैसे खाना चाहता है, वरना ये कहता है जितने लोग करते रहे हैं, जो कि आप सभी एक्स मुस्लिम को करते हैं, आज तक जितने भी लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, जितने भी न्यू एक्स मुस्लिम आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने की अपील बार बार मेरे चैनल एक्स मुस्लिम समीर से की जाती है। लेकिन मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं उन सारे एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करने की जो कि जेन्युइन एक्स मुस्लिम हैं। जेन्युइन एक्स मुस्लिम, समीर ने ये न्यूज कहां से उठाई, सवाल ये है। और समीर ने सबसे पहले मुझे बताएं, प्लांटेड एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम सबसे पहले किसने की? समीर ने। मगर समीर से पहले एक बंदे ने की, वो कौन था? वो सनातनी था। समीर जो एक्स मुस्लिम है, सबसे पहले इसने क्यों की? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, और वो मैं आपको बताता हूं दाल में क्या काला है, जरा सुने। प्लांटेड और फेक। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि आज हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर, ऐसा कोई पैमाना, थर्मामीटर, तेनू थर्मामीटर दी पई है? ओ बेटा थर्मामीटर नहीं होता, पैरामीटर होता है, उल्लू का पठा। हाँ जी, मैं जी एच मुस्लिम मूवमेंट का चैंपियन बनूंगा, थर्मामीटर। सुने जरा, आज हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर, ऐसा कोई पैमाना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये पूरी तरीके से पता लगा सके कि कौन एक्चुअल असली एक्स मुस्लिम है और कौन प्लांटेड है। अब मेरा सवाल है, अब ये ऑडियो पहले मैं दोबारा सुना दूं, फिर मैं अपना सवाल सनातनियों से रखने लगा हूं, मुसलमानों से नहीं। हम बड़े क्लियर हैं, हमें पता है सनातनियों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हमें पता है, हम बहुत क्लियर हैं अल्लाह के हुक्म से कि ये सारे गेम चल रही है। मगर मेरा सवाल अब तुमसे होगा कि जो पैसे बांट रहे हो ना, मेरा सवाल अब तुमसे होगा, ठीक है? उनको सपोर्ट करने की अपील बार बार मेरे चैनल, हर वो काम करेंगे जिससे वो आप सब सीख करें, जो कि आप सभी एक्स मुस्लिम को करते हैं, जितने भी न्यू एक्स मुस्लिम आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने की अपील बार बार मेरे चैनल। लेकिन मैं बार बार आपको ये सवाल है, ये सवाल पूछना है और फेक। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि आज हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर, ऐसा कोई पैमाना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये पूरी तरीके से पता लगा सकें कि कौन एक्चुअल असली एक्स मुस्लिम है और कौन प्लांटेड है। सवाल मेरा ये है, मगर मेरे पास इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शेर हिंद सैम स्टालन भाई मौजूद हैं। जनाब अहलन वसालन सैम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई कैसे आप? शुक्र ठीक ठाक सर जी, आया नू, वेलकम, खुश आमदीद, अहलन सहलन मरहबा, आदाब जनाब, आदाब आदाब जनाब जनाब जनाब, बहुत बहुत जबरदस्त आला दर्जे की खींचनताई चल रही है आमिर भाई, जबरदस्त माशाल्लाह, खींचिए खींचिए और खींचिए सर, मैं भी आपके पीछे हूं, खींचता हूं। जी जी, अल्लाह अल्लाह आपको जाय खैर दे। मैं बता रहा हूँ सर, आगे जो होने वाला है ना, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की तोड़फोड़ का आंखों देखा हाल आज मैं पब्लिक को सुनाने वाला हूँ जनाब, ठीक है? अब ये जो सवाल हुआ था कि समीर कह रहा है कि हमारे पास कोई पैरामीटर, कोई पैमाना नहीं है कि हम अनफॉर्चुनेटली ये जान सकें कि ऑथेंटिक एक्स मुस्लिम कौन है और फेक कौन है। मेरा एक जेन्युइन वैलिड लॉजिकल सिंसियर ऑनेस्ट क्वेश्चन है दर्दमंदाना सनातनियों से, जब आप लोगों को ये कंफर्म ही नहीं है कि जेन्युइन कौन है और फेक कौन, और अभी खबर निकल आई है कि कुछ मुस्लिमों के प्लांटेड एक्स मुस्लिम हैं, तो फंड किसको कर रहे हो, सपोर्ट किसको कर रहे हो, पैसे किसको दे रहे हो, $5 का कंट्रीब्यूशन किए ये किसको कर रहे हो, पेटीएम यूपीआई पैट्रियन बैंक उधार कार्ड ये किसको कर रहे हो, मुझे बताएं ना। और जिन चूड़ों को कर रहे हो उनका कंफर्मेशन ही नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं जो बातें कभी हम गुनाहगारों के मुंह से सुनते थे, आज तो उनकी जुबान से निकल रही हैं। तो कर किस बुनियाद पे रहे हो, वो थोड़ा मंद बुद्धि हो, थोड़ा अकल के ऊपर हाथ तो मारो। उनको ही कंफर्म नहीं है कि एक्स मुस्लिम कौन है,
नीचे किसी ने लिखा टुनीमीटर, पैरामीटर तो नहीं है, टुनीमीटर तो है ना, उससे ही चेक कर लो यार, हद है। आगे चलते हैं, सुने जरा। ब्लेंडेड भी कोई गैर मुस्लिमों या कोई एंटी नेशनलिस्ट की तरफ से नहीं, बल्कि मुस्लिम्स तंजीमों और मुस्लिम्स जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से ब्लेंडेड हैं। उनका काम सिर्फ यही नहीं कि वो आप लोगों का भरोसा जीते, आप लोगों से फाइनेंशियल जो है सपोर्ट हासिल करें, इसके अलावा उन लोगों का मिशन ये भी है कि जितने जेन्युइन और बड़े लेवल पर काम करने वाले मुस्लिम्स हैं जिनकी रीच पूरी दुनिया में बढ़ रही है, वो उन लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ाएं, उन लोगों के साथ दोस्ती करें और फिर उनको यकीन दिलाकर भरोसे में लेकर के उनके साथ मिलें और एक दिन खामोशी के साथ उन सारे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए। हां जी, तो जितने साहिल के चैनल पर आपको नए एक्स मुस्लिम्स नजर आ रहे हैं, राइजिंग स्टार्स। अच्छा, पिछले दिनों मुझे पता चला कि सारे टट्टू एक बंदे की चैनल के इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे हुए थे। और देख लो कहीं फीता काटने गए हो उसके चैनल का, तो कहीं अपनी चिता को अर्थी ना दे आना। हाँ, अपनी अर्थी को, पता नहीं क्या है, चिता है, अर्थी है, क्या है, सैम भाई क्या कहते हैं? हाँ, अपनी अर्थी राउट, चिता, चिता। अपनी चिता को अग्नि ना दे आना और अपनी अर्थी ना उठवा लेना अपने हाथों से। इसका मतलब यह है कि जितने बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स के चैनल के ऊपर ये छोटे टट्टू मट्टू नजर आ रहे हैं, आप देखें ना, मिर्जा गालिब का प्लान चेक करें। मिर्जा गालिब पहले किधर गया? साहिल के चैनल पे, फिर एडम के साथ बैठना शुरू हुआ, कभी समीर के पास, कभी इधर, कभी फिर उसने जनाब अपना चैनल स्टार्ट किया। अपना चैनल स्टार्ट करने के बाद उसने सुपर चैट ऑन की और उसके बाद वो बड़े तरीके के साथ सनातन धर्म के ऊपर भी तनकीद करना शुरू हो गया। मिर्जा गालिब, मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में आया, मैंने उससे कहा, मैंने सनातन धर्म कहता, मैं उसको भी गलत मानता हूं, मैं उनकी किताबों को मान, वो गलत है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो छोटे टट्टू मट्टू हैं, ये मुख्तलिफ बड़े बड़े स्पीकर्स के, ये जो एक्स मुस्लिम के बड़े बड़े चपड़ गंजू हैं, इनके चैनल्स पर जाकर मशहूर होते हैं, अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। ओए ओए एक्स मुस्लिमो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, तुम्हारे सामने ये इबरत का निशान बन गया है समीर। अभी और भी मैं बताऊंगा जो इबरत के निशान, जिनके ऊपर FIR कटने लगी हैं मैं उनका भी बताऊंगा, जिनके घर छापे पड़ेंगे मैं उनका भी बताऊंगा, जिनकी डॉक्सिंग की जाएगी मैं उनका भी बताऊंगा, जिनके ऊपर दहशत गर्दी आतंकवाद के पर्चे और देशद्रोही के पर्चे काटे जा रहे हैं मैं उनका भी बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लेनी, चेक करें जरा आप कि किस हद तक ये मूवमेंट पहुंच चुकी है और किस हद तक ये तनजुली डिक्लाइन का शिकार है। देखिए, देखे आगे। जी हाँ, ये एक काम खामोशी के साथ PFI और अलग तंजीमों की तरफ से कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ कर दिया है, आवाज़ हक ने कर दिया, मेरे पे डाल दो, PFI पे क्या डालना है, मेरे पे डाल दो, ये काम मैंने बड़ी खामोशी के साथ कर दिया है। आपको नहीं पता कि आपके अंदर कुछ बंदे बैठे हैं जो मेरे ट्रेंड हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं भविष्यवाणी ऐसे कर देता हूं, भविष्यवाणी के पीछे कुछ तो सोर्स होगा ना मेरा, सोचो तो सही, जो मैंने 7 महीने पहले भविष्यवाणी की थी। और 7 महीने को बड़ा टाइम नहीं है भाई, असल रिपोर्ट निकली है बाहर, वो रिपोर्ट वाले कहते हैं 2-2 साल तक, 3-3 साल तक एक्स मुस्लिम चैनल बना के रखते हैं, बाद में नीचे मंजी के नीचे डंडा फेर देते हैं 3-3 साल के बाद। अब समीर ने ये स्ट्रीम की क्यों, सवाल तो ये है, और मुझसे कोई पूछे तो सही कि सवाल ये क्यों है। एक दफा मेरी कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ थी मेरी, तो वहां एक लड़के की चप्पल हर हफ्ते चोरी हो जाती थी, हर हफ्ते। वो बेचारा बड़ा परेशान था, कहता है यार अब्बू बड़ी मुश्किल से चप्पल लेके देते हैं, मैं जब हॉस्टल आता हूं चप्पल चोरी हो जाती है, क्या करूं। मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा जिस दिन तुम्हारी चप्पल चोरी हो ना, सबसे पहला बंदा जो तुम्हें पूछने आया ना यार चप्पल किधर गई है, उसने ही चोरी की है। कहने लगा यार ये क्या बात हुई, मैंने कहा मेरी बात मान। कहने लगा नहीं नहीं यार आमिर, तू मुसलमान है, तू पाकिस्तान से है, तेरी बात नहीं माननी, तू मुसलमान है, तू पाकिस्तान से है, तेरी बात नहीं माननी। मैंने कहा यार देख ले, अगर मेरी बात मान लेगा समझ आ जाएगी। उसने कहा क्या करूं, मैंने कहा कल जो आके सबसे पहले कहेगा ना कि बॉस तुम्हारी चप्पल कहां गई, चप्पल उसी ने चुराई होगी। वही हुआ, जिस रात चप्पल चोरी हुई अगले दिन जिस बंदे ने आके पूछा भाई तुम्हारी चप्पल कहां गई, उसको धर लिया, जब तहकीक की गई तो 5-6 जोड़े उसकी अलमारी से निकले। अब बताएं,
अब मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये रिपोर्ट आई कि पीएफआई ने 500 के करीब फेक एक्स मुस्लिम प्लांट किए हैं, सबसे पहला प्रोग्राम समीर ने किया। क्यों सही है। क्यों? और मजे की बात बताऊं, समीर को भी पता था, समीर को भी अपनी नियत का, और अपने मुंह से निकल गया। सुनना जरा, अपने मुंह से निकल गया। मैं बताता हूं। सुने जरा, कोई मैं भी हो सकता हूँ रितिंकर भाई, मैं भी तो हो सकता हूँ। अगर मैंने ये टॉपिक उठा दिया, अगर मैंने ये स्ट्रीम बना दी, अगर मैंने वो वीडियो शेयर कर दी, तो हो सकता है कि मुझे खतरा हो इस बात का कि भाई कोई और ना कर दे, इसलिए पहले मैं ही करके सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लूँ। समझ रहे? तो कोई भी हो सकता है। मैंने जो वो तरीके बताए हैं ना, समझ गए हैं? खुद कह रहा है समीर, खुद ये बात कह रहा है कि मैंने ये स्ट्रीम इसलिए ना की हो, मुझ पे भी शक कर सकते हैं आप। बहुत तेज है, बहुत शातिर है, ये याद रखें, बहुत शातिर। मैं इससे पहले यसु की कुत्ती और साहिल को शातिर समझता था, मगर समीर डेढ़ क्षण है। मैं आपको बता दूं, इतनी खतरनाक छुरी है समीर कि अगर इसको ना पकड़ा एक्स मुस्लिम मूवमेंट वालों ने, यकीन करें ये एक एक की चड्डी उतरवाएगा, एक एक की चड्डी। अब फिर कहोगे ए जी आमिर हक बात कर रहा है, आवाजे हक है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, तो डूब मरो जाओ, फिर ना मानो मेरी बात, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो पाकिस्तान से हूं, तो ना मानो। कोई अकलमंद समझा रहा हो उसकी बात को मानते हैं। अच्छा क्या मुझे मुझे समझाओ, एक मिसाल समझाता हूं। सामने आग लगी हो और तुम्हारा हिंदू बच्चा जो है वो छलांग मारने लगे, और मैं तुम्हें कहूं यार ये बच्चा आग में गिर जाएगा, इसको पकड़ो, सामने से गाड़ी आ रही है, बच्चा नीचे आ जाएगा, तो क्या कहोगे? कि पाकिस्तानी है इसलिए नहीं रुकूंगा, मुसलमान है इसलिए नहीं रुकूंगा। आंखों देख के गोबर खाने वाली कौम तुम हो, मुझे पता है, मगर क्या बुद्धि बिल्कुल ही बैठ बैठे हो? इस्लाम दुश्मनी में बिल्कुल ही अंधे हो चुके हो। कमाल है यार, क्या मैं भी लगा लूं कुछ आगे पीछे, कोई कुमार और यादव, तब मेरी बात मानोगे? यार ये था वो प्लान। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि इससे पहले कि समीर ये प्रोग्राम करता, ये खबर कहीं और से आई थी एक सनातनी की। वो खबर सुनाना भी बड़ा जरूरी है। एक चैनल है, मुसलमान बिल्कुल उसको सब्सक्राइब ना करें, उसकी वजह यह है कि वो एंटी इस्लामिक और हिंदू कट्टरता हिंदू का चैनल है, तो साइबर सिपाही के नाम से, शुभम करके उसका नाम है, साइबर सिपाही। उसने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की। जब उसने यह खबर ब्रेक की, सबूत सबूत उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ अजम्पशंस है, बोंगियां, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और मैं हैरान हूं कि यह समीर आगे चलकर तीन बंदों के ऊपर उठने वाले इल्जामात, जिन्होंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तबाह किया है, जो इसके डिक्लाइन की वजह है, जितने एक्स मुस्लिम्स की डॉक्सिंग हुई है, तीन बंदे वजह है उसके पीछे, तीन बंदे, मैं आपको बता दूं, और मेरी जुबान नहीं, तीन बंदे। नंबर वन, यहां पर तीन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी, हरिया हरिया। नंबर दो, मसीहा नंबर वन। नंबर तीन, मसीहा नंबर दो। ये तीन करैक्टर हैं डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर। अगर आप इन तीन बंदों को समझ जाएं, आपको पता चल जाएगा। मगर मजे की बात यह है कि समीर को एक्स मुस्लिम मूवमेंट छोड़ने की वजह यह बनी कि समीर तीन इन दो बंदों को सपोर्ट कर रहा था, मसीहा नंबर वन को और मसीहा नंबर टू को। क्यों सपोर्ट कर रहा था? और इस सपोर्ट के अंदर इसने अपने दूसरे मुंह बोले बाप से भी रिश्ता तबाह कर लिया। तीसरा तो चतुर्वेदी अभी है, मुझे नहीं पता उसके साथ कैसे संबंध है इसके, मगर दूसरा जो मुंह बोला बाप था उसके साथ तल्लुकात खराब कर लिए। सवाल यह उठता है कि तुम मसीहा नंबर वन और मसीहा नंबर दो, इनसे तो तल्लुक इसलिए नहीं खराब करते कि तुम्हारा पहला बाप और कोहराम के पास वाज़े सबूत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्सिंग और इल्जाम कर रहे हैं। मगर बेटा, पीएफआई के बगैर सबूत के तूने मुसलमानों के ऊपर जड़ दिया, ये है तुम्हारा इंसाफ? डबल फेस मुनाफिक हो तुम। अब जरा साइबर सिपाही की बात सुने, गो के इसकी बात मिलती जुलती है समीर से, मगर इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। कुछ लोग नीचे पूछ रहे हैं, मसीहा नंबर एक और दो कौन है, हरिया कौन है? जनाब जनाब जनाब, इंटरवल से पहले स्टोरी का स्पॉइलर नहीं बताया जाता। अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ, और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यह लग रहा है कि शायद मुझे इसका दूसरा पार्ट करना पड़ जाए, कोई खबर नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी ये गेम है, इतनी डीप रूट्स हैं इसकी, अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन ना करूं तो यहां पर मसला खराब हो जाएगा।
और आप लोगों को बात समझ नहीं आएगी। और इस वक्त मेरे सबसे